आप सभी का स्वागत है आपके हमारे नए ब्लॉग में। आप सबको सुप्रभात। और बच्चे तो नहा धो के पूजा पाठ करके और नाश्ता करके फिर चले गए स्कूल के लिए आगे, और मैं फिर नहा धो के पूजा करके भी तैयार हुआ हूँ। और बस 2 मिनट हुआ आगे गया है, अब मैं जा रहा हूँ उनको लेके बस पे चढ़ाने के लिए। और इधर नीतू के ढेर सारा कपड़े रखी है धोने के लिए, तो अपना कपड़े धुलाई करेगी। मैं जा रहा हूँ अब फिर वहीं से नीचे ही से ड्यूटी भी करेंगे। और धूप भी देखिए, धूप भी आज लाजवाब है, सुबह से एकदम मौसम एकदम साफ है। चलिए चलते हैं, मशीन निकाल रही है नहीं तो मशीन लगा देगी। चलिए मैं चलता हूँ जल्दी से, मेरे बच्चों को डरेंगे क्योंकि सांप कीड़ा का टाइम है अभी। और आज ओस भी काफ़ी गिरी हुई रहती है, सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है घास के ऊपर, बहुत ज़्यादा ओस बारिश की वजह से, और बस जमी हुई है एकदम। और दोनों बच्चे पहले से पहुंच के बैठे हुए हैं छाया में, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे आज तो बैग फ्री डे है, लेकिन बैग खाली जा रहा है, वाटर बोतल और एग्ज़ाम है इस पेपर का, तो एग्ज़ाम देने के लिए भी अपना तैयार करके जा रहा है। एक रफ नोटबुक मैडम बोली थी लाने के लिए सर, तो वो रख लिए हुआ है, आज हल्की बैग है लंच वगैरह सबके साथ। तो चलिए बस का वेट करते हैं। और आए नीचे से दौड़ते दौड़ते आ आए हैं ऊपर को, गर्मी लगने लगी है। हम ट्रैक सूट पहने हुए हैं, अंदर से एकदम गर्म बॉडी हो गया है, हल्की हल्की पसीना के जैसे अंदर से। कितना अच्छा दिख रहा है व्यू हमें। यही है ये देखिए, अभी ऊपरी रोड से यहाँ तक आने में 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगी, घूम के आना होता है। तो बच्चे अब चल दिए दूसरे साइड को। और बस आ गई है, चलो आराम से चढ़ जाओ, सीट भी है। कहाँ जा रहे हो, खोलो। बच्चे जा रहे हैं और मैं भी जाता हूँ अब ड्यूटी है। वैसे आज बस नेट 8:30 में पहुँची है। चलिए ऐसे ही, क्योंकि पहले कभी बाद में तो वैसे टाइम तो इसका 8:15 तक है। चलते हैं अब, तो पानी भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि बारिश इधर नहीं हुई, 2-3 दिन बादल लग के केवल रह गया। तो हम लोग के साइड में शिमला के तरफ तो बारिश अच्छी खासी हो गई है, लेकिन हम लोग इधर एक बूंद भी नहीं पड़ी, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। चलिए वो आगे होती है बारिश या नहीं पता नहीं। और ये देखिए जंगली मुर्गी और मुर्गे, अभी 4-5 था, सब नीचे को भाग रहा है। देखिए सब नीचे चले गए, जाते समय भी खा रहे थे, एकदम अंदर भागी जा रही है घास के पीछे। यहाँ जंगली मुर्गा मुर्गी बहुत सारे हैं। और मैं भी आ गया प्लांट के पास, पहले तो रिपोर्ट भेज दूंगा, उसके बाद फिर ड्यूटी के लिए भी रह जाएंगे। हैं जो नाइट वाले हैं बेचारे अपने चले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं जल्दी से, आ गए हैं प्लांट पीछे ही। फूल सब ये खिलना शुरू हो गया इधर, गुलाब, पिंक गुलाब, अच्छे इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा है। आ गए प्लांट और ये फूल देखे देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए
तो मेरा लगभग सारा घर का हो गया, बस थोड़ा नहाना बाकी रह गया, तो ये आ गए थे। मैं सोची तब तक उधर चाय भी चढ़ा दूँ और बैगन का भुजिया बनाना है तो वो भी बना दूँ, क्योंकि आज एकादशी है, चावल तो खाना है नहीं। ये बोले तो थोड़ा सा बैगन का भुजिया बना देना। उस सुबह तो बच्चों के लिए मैं सब्जी दूसरा बनाई थी, क्योंकि बच्चे बैगन खाते हैं नहीं, उसमें से भुजिया और नहीं खाते हैं। चलिए मैं पहले इसमें चाय पी दूँगी, तब तक तो ये तुरंत बन जाएगा। और आज कपड़ा भी धोना था तो वो सब धो के कुछ ऊपर ही फैला दी हूँ, कुछ नीचे फैला दी हूँ। जो जरूरी का कपड़ा था वो तो मैं नीचे डाल दी, जरूरी क्या, जो मोटा मोटा कपड़ा था वो मैं नीचे डाल दी हूँ, और जो पतले पतले कपड़े थे उसको मैं ऊपर ही डाल दी हूँ। पर पानी तो धीरे धीरे इतना ठंडा होते जा रहा है, आज कपड़े धोई मैं फिर लग रहा है जैसे धीरे नहीं है बैगन में, क्योंकि बैगन में वैसे तो बैगन बहुत अच्छा है, एक भी भेज नहीं है, बैगन तो बहुत अच्छा है। चलिए अंदर तो कोई नहीं देखने के लिए जाता है, कीड़े हैं ये क्या है नहीं है। चाय भी इधर बन ही गई है तो मैं इनको भी चाय दे दूँ और खुद भी चाय पी लूँ, क्योंकि मैं इन्हीं के इंतजार में थी, जो कब ये आएंगे तो मैं चाय बनाऊँगी। तो पानी छू रखी थी तो हो रहा था थोड़ा चाय पीने का मन, अभी है थोड़ा बाकी है। बच्चे सब आ गए स्कूल से और ये यहाँ पे मैं कप बन देती हूँ खाने के लिए, दोनों लाइन में लगा हुआ जो कप बने और कप मैं खाऊं, और टेस्टी इतना है, बहुत ही टेस्टी है, ये मीठा मीठा है। खाना है तो हर साथ खुद लग गया है नींबू काला नमक नमक मिलाने में मक्का पर भुट्टे पे, वो अपना पहला ही पसंद कर लेता है, हमको ये चाहिए, ये वाला चाहिए चलो ठीक है तुम ये ले लो, इसीलिए तो खराब था वहाँ पे, लगा लगा नमक लगा नमक लगा और नमक ज्यादा दो। ले लो सशी ले लो, ससी लग गया खाने में, नहीं बड़ा है तुम्हारा ये वाला, और पकेगा वो कौन वो जिसमें लगा है, हाँ? पक गया है। पक गया है। नमक लगा दे आवाज करेगा वो, ये भी नहीं हुआ अभी, वो तो बना रहे हैं, वो तो पका रहे हैं। चलो खा लो अच्छा से, टेस्टी है, एक अच्छा है ना। साल का सारा काम मेरा हो गया, झाड़ू भी लगा ली और कपड़े जो फैलाई थी वो सब भी सारा लग गई हूँ मैं समेट के, और इधर मैं चढ़ा दी हूँ अब चाय, और इधर मैं बना रही हूँ आज लाल चाय नींबू डाल के। तो और मक्का तो हम लोग खा लिए, नींबू था तो ये बोले वही चाय बना देने के लिए काला नमक सब डाल के, तो फिर वही जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। यहाँ पानी डाल दी हूँ तो पानी गर्म हो रहा, तब चीनी या चाय पत्ती डाल दूँगी, और ये देखिए चाय बन गई है, दे देती हूँ उनको पीने के लिए और मैं भी पी लेती हूँ। और जब तक मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ मेरा मन नहीं मानता, पर ये क्या बोलने लगे बना देने के लिए तो मैं फिर यही चाय बना दी हूँ। मैं भी आ गया हूँ ड्यूटी से, क्योंकि मैं दूसरे शिफ्ट का भी किया करीब 1.5 घंटा, उनको गाँव जाना था और उनके पार्टनर आए नहीं थे, अकेले थे, तो मैं चला गया था ड्यूटी में 6:30 बजे, अभी 8 बज गए है। और इधर नीतू खाना इधर बना कर रखी हुई है, बच्चे भी बुला लिए हैं आ रहे हैं तो हम लोग खाना खा रहे हैं। आज का ब्लॉग भी यही समाप्त करते हैं, आप सबको शुभ रात्रि।